आइस अपन ज़्यादा बकछुदे करते हैं, लेस गिंडू पर वीडियो कर लेते क्योंकि भाई इतने टाइम बाद भी किंग के पास और क्या चीज़ें है, 5.5 मिनट का गाना भी डाल दे और क्या काउंटर कर सकते बंदा। हाँ जरा सुनते चलो घुमो में, लेट्स गो। अब ये भी लोफाई है, हैं? पर मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि किंग थोड़ा सा हार्डकोर जाएगा इसमें, पर ये भी लोफाई है भाई। चलो कोई बात नहीं। या मम्मी जी कैसी हैं? मम्मी जी ठीक हैं, कहती है बाहर से अच्छा घर का खाना ठीक है। जरा बत भाई, मम्मी जी बोल दिया रे इसने। मम्मी जी ठीक है, अभी मुझे पता नहीं बंदा आगे क्या बोलेगा। अभी इसने मम्मी जी बोला है तो अभी क्या बोलेगा भाई। कहती है बाहर से अच्छा घर का खाना ठीक है। okay. जरा बता दे अपने मुंबई वाले दोस्त को के गाली गलौज से अच्छा गाना गाना ठीक है। okay. मम्मी जी कैसी है? मम्मी जी ठीक है, लहजा अभी ठीक, कहती पहले वाला नीच है। उन्हें मैं कैसे बोलूं, इसी पे तो रीच है, ये पहले से ही नीच था और आज भी ये नीच है। मैं बोलता हूं कि लहजा उसका पहले से ही वैसा है, यही सी बात करता है, मतलब जो स्लैंग है बेसिकली, पहला वाला नीच है वही, मतलब वी ब्रेक और एमवीवे को, मतलब एमवीवे बड़ा है ना तो पहला वाला वही एमवीवे को एड्रेस कर रहा है कि भाई वो पहले से ही नीच है, वो ऐसी बात करता है ये वो। ठीक है, अभी दिल्ली वाले को स्लैंग पसंद नहीं आता तो क्या करेगा भाई। पहले से ही नीच था और आज भी ये नीच है। तुझे एक बात बोलूं, मैं तुझसे डरता नहीं। okay. बीफ में भी चोरी, इससे ज्यादा कुछ कर सकता नहीं। सेम बीट सेम फ्लो सेम केडेंस, बस बातें उल्टी कर देने से बंटी सीधा पहलू बनता नहीं। तुम भी तो फिर छापे थे ना यार, सेम बीट सेम फ्लो सेम चीजें, मीट द क्रैम्स, केंड्रिक लूमार, लूमार केंड्रिक, छापे थे ना भाई यार। तुम खुद चीजें इंस्पायर होके छाप के कुछ भी बोलो, इंस्पायर या चापो, एक ही चीज़ होती है। खुद वही चीज़ करके फिर कॉन्ट्राडिक्ट करके दूसरों को बोलेंगे कि भाई तूने भी वही सेम चीज़ सेम फ्लो की। भाई तुमने ऑलरेडी सेम चीज़ सेम फ्लो कर ली तो तुम उसका कैसा, तुम खुद का ओरिजिनल कुछ बनाए तो बोलो ना कि कुछ छापा है करके, ओरिजिनल तो है नहीं। ठीक है भाई, ये वाला लाइन सेंस नहीं बना रखेंगे। बंटी का साबुन स्लो, बंटी से माइक लो, ये भूला बंदा भेजा इसने फोन लेके ऑन माय लाइव शो 91 नाइट। लाइव शो 91 नाइट, दर्जनों आर्टिस्ट सबकी मेहनत, खुद का नाम, इसको बस बधाई दो। या काउंटर मिला कोई नहीं, चौको छांटू जैसी बातें तूने आके अपने माइक पे बोल दी। या फाउंडर नहीं बना क्योंकि हमेशा से धंधे के पैसों से ऊपर रखी मैंने दोस्ती। क्या बात, तू क्या बात, अच्छा काउंटर क्या कि भाई तू फाउंडर रखा है ये वो, बट अच्छी बात है, पैसों से ज्यादा दोस्ती को ज्यादा अहमियत देते हैं बहुत। कि हमेशा से धंधे के पैसों से ऊपर रखी रोज बिफोर हाउस, कि हमेशा से धंधे के पैसों से ऊपर रखी मैंने दोस्ती। ओके तू नहीं जानता है ऐसी आंखें, पर ये आंखें तुझे जानती है, लेट मी टेल यू ब्रोस्की, तू कहीं भी नहीं बच सकता है मेरे हाथों से बंटी। इट्स फनी, इसके करियर का भी एक फाउंडर, 4-5 पार्टनर जिसकी वजह से इसका अकाउंट करियर का एक फाउंडर, वो इनडायरेक्टली बोल रहा है कि भाई रफ्तार भाई तेरे करियर के फाउंडर है यार। से बंटी, इट्स फनी, इसके करियर का भी एक है फाउंडर, 4-5 पार्टनर जिसकी वजह से इसका अकाउंटेंट भर देता है घर के बिल और मेकअप का कॉर्नर सजा रहता क्योंकि सावला पंटी माने खुद को फॉरनर। I'm sorry, मैंने ये सोच के तो लिखा ही नहीं, वी ब्रेक ने जूस नहीं पिया, वर्ल्ड तो उसने देखा ही नहीं। मुझे नहीं पता, काफ़ी काफ़ी अच्छा ब्रेक डाउन किया जूस और जूस वर्ल्ड को, काफ़ी अच्छा था वो। वी ब्रेक ने जूस तो पिया ही लिखा ही नहीं, वी ब्रेक ने जूस नहीं पिया, वर्ल्ड तो उसने देखा ही नहीं। वो काफ़ी छोटा है तो उसने क्या ही दुनिया देखी रहेगी। मुझे नहीं पता था कि एनएफरस अकेले नहीं है, बंटा रिकॉर्ड लेबल में एक जूस वर्ल्ड भी है छुपा कहीं। एक गलती पे रुका नहीं, दूसरी से भी चुका नहीं, गलती कर दी नाम लेके भाई का नाम क्यों लिखा, जाके सुनो गाने 144 पे 999, मुझे बताना फर्क 19-20 भी दिखा। 144 पे 999, ये क्या है भाई मेरे को बताओ, ये वीब्रे का गाना है क्या? गलती पे रुका नहीं, दूसरी से भी चुका नहीं, गलती कर दी नाम लेके भाई का नाम क्यों लिखा, जाके सुनो गाने 144 पे 999, मुझे बताना फर्क 19-20 भी दिखा, करके आया फंबल वो भी रेड कारपेट पे दिखा, गलती कौन संभाले, यूट्यूब रैपर भी नहीं था, मैं अकेला वही था जहाँ खड़ा विलियम डेफो, तब सोचा कितने किस्मत वालों ने ये दिन खरीदा। ये विलियम डेफो के बाजू में मतलब था, मतलब ही वाज वन ऑफ द आर्टिस्ट स्टैंडिंग बिहाइंड स्टैंडिंग विद विलियम डेफो।
UFO, तब सोचा कितने किस्मत वालों ने ये दिन खरीदा। पर हर चीज पेड नहीं होती, ऑफिशियली जाने का तरीका, मेरी प्रेजेंस इतनी फायर, फंबल कर दूं मैं फ्री का। ये वो केन्स की बात हो रही है ना शायद, और पैसे मतलब हर चीजें पेड नहीं होती, वो ऑफिशियली जाने का तरीका कुछ और होता है क्या पता, बट वो केन्स में जाने के लिए कुछ तो फीस भी पे करनी पड़ती है ना, 20-25 लाख कुछ तो है, आई डोंट नो। ऑफिशियली जाने का तरीका, मेरी प्रेजेंस इतनी फायर, फंबल कर दूं मैं फ्री का। तुम मुझसे वो ही बोल रहा भाई, मैं प्रेजेंस ही उतना अच्छा है, मतलब कि फंबल क्या, ठीक है भाई प्रेजेंस काफी है, फंबल मार दे तो क्या हुआ, कौन सी बड़ी बात हुई, पहले से ही था ये बात तो फैक्ट सी भाई, किंग इसके वजह से तो है नहीं, किंग पहले से अपना अलग से नाम बना के बैठा है, दैट्स अ फैक्ट भाई, मानो या ना मानो। काउंटर 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 दे दूं तुझको कितने काउंटर, ये जो हंस रहा मेरे 2 साल पुराने अमाउंट पर, आज की बोली पूछ जितने की तेरी वर्थ नहीं, उतने का मेरा साउंड टैग कॉस्ट, वो भी सिंगल रॉन्ग पर, फिर से तू काउंट। क्या बात है भाई, फ्लेक्स भाई फ्लेक्स, हां तेरा बोली का जितना कॉस्ट नहीं है उतना मेरा साउंड चेक का कॉस्ट होता है भाई, हां साउंड टैग का कॉस्ट है, चेक बोल रहा हूं, वो भी एक राउंड पर, बताओ वाह 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 वाह, काफी महंगे इंस्ट्रूमेंट्स रखे भाई ने, मेरा साउंड टैग कॉस्ट, वो भी सिंगल रॉन्ग पर, फिर से तू काउंट कर मैंने कितने दिए काउंटर, कितने पूछे क्वेश्चंस तुझसे, कितने मांगे आंसर्स, मुद्दा भटका के ले गया पहले बंटी माँ पर, दूसरा मुद्दा भटका रहा बिलीव के बिना पर। हाँ वो मिसअंडरस्टैंडिंग था भाई, लोग बोलते भाई जानबूझ के बोले, अरे क्यों बोलेगा जानबूझ के यार किसी को माँ पे फालतू का सामने से, कुछ भी मतलब कुछ भी लॉजिक लगाते हैं लोग, जानबूझ के बोले ला उसकी माँ पे, अरे वो टैग लेने भाई, उसका टैग प्रोड्यूसर टैग है वो, गया पहले बंटी माँ पर, दिमाग नहीं लगा, दूसरा मुद्दा भटका रहा बिलीफ के बिना पर, तीसरे मुद्दे से बच रहा टीपी तू लगा कर, इसका मुद्दा इंडिपेंडेंट नहीं है खुश बस जिस बना कर बाय। एक सेकंड ये वाले लाइन पे जरा पॉज करना चाहूंगा, ठीक है, अभी लोग इस पे मेरे को कुछ भी बोले, गाली दे, जज करे, मेरे को फर्क नहीं पड़ता, ये जो चीज, ये जो लाइन बोले ना भाई ने, इसका मुद्दा इंडिपेंडेंट या ये सब नहीं है कि मैं इंडिपेंडेंट, तू लेबल के साइन है, लेबल तेरा सब कुछ करती है इसलिए तू बड़ा है, उसको भाई डिस बना के खुशी मिलती है भाई, ये बात सब लोग मानो भाई, बीकेपी को भी बोल रहा हूँ, ना सुनने वाले को बोल रहा हूँ, किंग स्लैंग को भी बोल रहा हूँ, कोई भी अंदर ही अंदर सब लोग जानते हैं कि भाई एमवीए को डिस बनाने में बहुत अच्छा लगता है, बहुत मज़ा आता है, और हम लोग को भी मज़ा आता है, हम लोग वो उसका फोटे है भाई, एमवीए उस चीज़ में बहुत ही अच्छा करता है भाई, वो उसका स्किल और टैलेंट नेक्स्ट लेवल दिखता है भाई, नेक्स्ट लेवल निकल के आता है, बार्स, मेटाफर्स, रेफरेंसेस, काउंटर्स, रिबटल्स बहुत बढ़िया करता है भाई वो, मतलब कृष्णा को टक्कर दे ला तो बताओ, सीधी सी बात है भाई, ये बात आप मानो ना मानो, ये बात सच है भाई, ये बात तो सच है, सही है। आई नो दे डिस्ट्रीब्यूटेड तेरे सारे शिट, do you know I give them biggest album, biggest hit, सबसे बड़ा independent catalog after Sidhu's hits, trust me anyway, मजाक नहीं कर रहा है, really mean it, ये stats बताएंगे भाई, मेरे भाई लोग बताओ ये stats क्या actually क्या है, ये जब बोल रहा है वो सही में है, सिद्धू मूसेवाला के बाद सबसे बड़ा हिट इसका ट्रैक था क्या, मुझे प्लीज बता, the gap is really big and the stack is really thick, do not try to breathe twice if you cannot relive, ये कल्पना नहीं है और तू बावला है, स्पेस बार में ही डिस करके जमीन की किश्त छाप रहा है, स्पेस बार में डिस करके जमीन के किश्ते छाप आया, दैट्स अ नाइस काउंटर भाई, बढ़िया था बंटी, ये कल्पना नहीं है और तू बावला है, स्पेस बार में ही डिस करके जमीन की किश्ते छाप रहा है, इंट्रो में चाट रहा है, आउट्रो शाउट आउट बांट रहा है, अपने बच्चे ला नहीं सकता बेला छाछा डांट रहा है, जब एक बर्तन में खाना नहीं क्यों चूल्हे बांट रहा है, तेरा सूखा हेलक और विवियन से पानी मांग रहा है। अच्छा ये हेलक ने डिवाइन को भी डिस किया था ना बीच में, हाँ भाई वैसे भी उसको सीरियसली कौन लेता, बट पता नहीं क्यों किया था, क्या था वो चीज, जो भी था वो बड़ा लेम सा था, बट जो तूने देखा है तू उसको नहीं मान रहा है, और जो तू दिखा रहा वो ऊपर वाला मामला है, ये बार आगे का है, 26 में झांक रहा है, 2 बॉडीज में हीरो को तेरा पूरा करियर नाप रहा है, तीसरे की जरूरत नहीं तू दूसरे में ही काप रहा है, पहली बार आवाज नीचे और लोफाई बीट पे नाच रहा है, मुजान भी असली नहीं, तू कूल लगने को छाप रहा है, तू आया नहीं यहाँ पे
पे गलत फहमी का माजरा है। तू लाया गया यहाँ क्योंकि तेरी हरकत हाशिरा लेवल 3 पे दबी बॉडी मिला फावड़ा है। भाई मेरे को ये माँ कसम का रेफरेंस क्यों लग रहा है? हाँ फावड़ा फावड़ा जहाँ आता है मेरे को सीधा माँ कसम वाला आ जाता है भाई कृष्णा का। पता नहीं ये वाला जो एनिमे वाला रेफरेंस था, मैं एनिमे देखता नहीं हूँ, तो भाई लोग प्लीज़ बता दो कि ये माँ कसम का रेफरेंस था कि वो हजान हारूशी पता नहीं नारुतो विरुद्ध का रेफरेंस था, मुझे नहीं पता भाई, प्लीज बता दो मेरे भाई। आया नहीं यहाँ पे गलत फहमी का माजरा है। तू लाया गया यहाँ क्योंकि तेरी हरकत हाशिरा लेवल 3 पे दबी बॉडी मिला फावड़ा है। इट्स सो डार्क टू सी कोई अपनी बॉडी काट रहा है, खूनी गिरने दे रहा अपनी जीप से बूंदे चाट रहा है। उसके पैरों पड़ी है एक मोटी सी चेन जिसकी चाबी खो दी इसने 5 साल पहले पट्टी बावला है। चाबी वाला बंदर भाई, एक तो ये जो जो डार्क वाली जो बातें बोल ना, उसको खुद ही अपना हाथ काट रहा है फिर खुद ही चाट रहा है, पता नहीं ये कोई तो मूवी का सीन है कोई तो एनिमे का सीन का रेफरेंस है भाई। बट ये जो बोलने का भी तरीका ना काफ़ी लो पिच हो गया, काफ़ी अच्छा लगा मुझे जिस तरीके ने बोला, जिस तरीके से डिलीवर किया ना भाई ने, मुझे काफ़ी अच्छा लगा। कोई अपनी बॉडी काट रहा है, खूनी गिरने दे रहा अपनी जीप से बूंदे चाट रहा है। उसके पैरों पड़ी है एक मोटी सी चेन जिसकी चाबी खो दी इसने 5 साल पहले पट्टी बावला है। खैर छोड़ो इसकी बातें, इसकी ये भी खामखा है, काउंटर इससे हो रहा नहीं है बातें जानी यहाँ से वहाँ है। काउंटर तो दिया था भाई हर एक बार का, क्या मस्त काउंटर, वो 12 नंबर 8 नंबर जूते में क्या फ्लिप किया था भाई, एक नंबर भाई फ्लिप का बावला है। छोड़ो इसकी बातें, इसकी ये भी खामखा है, काउंटर इससे हो रहा नहीं है बातें जानी यहाँ से वहाँ है। अभी साबित करूंगा पंटी कितनी आवाज का है, ट्रस्ट मी ये क्लासिक मोमेंट और DHH इतिहास का है। ओके ये रैप शो नहीं, मैं बीफ गेम में हूँ, तुझसे मजे लेने हैं मुझको, मैं ताली किसे दूं भाई। मैं ये चीज पहले भी बोल चुका हूँ पहले वाले इस पे कि किंग भाई से मजे ले रहा है भाई, वो भले रैप शो में नहीं हूँ मैं, अभी रैप कर मैं रैप शो में नहीं हूँ, बीफ में हूँ मैं, बीफ में क्या करने हो, मैं मजे लेने आया हूँ। वो बंदा बोल रहा ना, ये बंदे को कुछ पड़ी नहीं है, मुझे को लगता है खाली एमवी में इतना ज़्यादा सीरियस ले रहा है, नहीं लेना चाहिए भाई, सीधा बात करो सॉर्ट आउट करो करता खत्म भाई। ये वाला सेंस नहीं बना रहा क्योंकि किंग सिर्फ मजे ले रहा है भाई, किंग ऐसा कोई कंटेंट नहीं दे रहा है कि भाई तुम बाकी भाई क्या बोल गया इसने, एमवी ऐसा कंटेंट नहीं दे रहा है वो सिर्फ मजे ले रहा है भाई। वो आर्टिस्ट है, ऐसे गाने तो 100 बना लेगा वो 10 मिनट में, मतलब खामा का सीरियस हो रहा है भाई। मैं पिछले वीडियो में बोला था ये जितना आगे जाएगा बीफ उतना सेंस कम बनाएगा भाई, खत्म कर दो यार बस को। तुझसे मजे लेने हैं मुझको, मैं ताली किसे दूं, हाँ। सोच रहा था आजकल थोड़ा रैप कर लूं और एक गाने वाला आउट्रो बढ़िया सिंगर को दे दूं। किसको? कभी भी हम तेरी ले ले। What? बंटी हम तेरी ले ले। What the fuck? कभी भी बंटी हम तेरी ले ले, तुझे पता है मेरा नाम क्या है? Yo, Monopoly Max motherfucker। बेला भाई क्या कर रहा है इस बीफ में? सोली बेला क्या कर रहा है इसमें भाई? एमवी ने तो शाउट आउट दिया था ना बेला को, बेला क्यों बोल रहा है बंटी हम तेरी ले ले भाई? भाई सही में बोल रहा हूँ, मैंने आज पूरा दिन मैंने इंस्टा भी नहीं खोला था, मुझे पता था कि भाई इंस्टाग्राम में खोलूंगा मुझे कुछ ना कुछ स्पॉइलर मिल जाएगा, इसलिए मैं यहाँ पर पहला रॉ ऑथेंटिक रिएक्शन चाहता हूँ, खुद भी सुनना चाहता हूँ कि भाई एक्चुअली बोला क्या है उसने, किया क्या है ऐसा आगे। और दिस वॉज अनएक्सपेक्टेड भैया, बेला इन द आउटर ऑफ किंग्स दिस ब्रो, दिस इज गोइंग क्रेजी भाई, दिस इज गोइंग क्रेजी। तेरे होके वाले कंपोजिशन में बंटी हम तेरी ले ब्रो, ये क्या हो रहा है भाई? दिस वाज अनएक्सपेक्टेड शिट भाई, व्हाट द हेल। हम तेरी ले ले, तुझे पता है मेरा नाम क्या है? वो कितना अच्छे से बोल रहा है, बंटी हम तेरी ले ले बोल रहा ना भाई, किंग खुद भी मजे ले रहा है बाकियों को भी मजे दे रहा है भाई, और कुछ नहीं कर रहा है बंदा ये, पता है भाई नाम क्या है? पता है भाई, भाई भाई ब्रो ये अभी लंबा जाएगा भाई, अगर बेला भाई आगे ले इसमें ये लंबा जाएगा, क्योंकि बेला भाई भी कम नहीं है, बेला भाई को कम मत समझना अगर बीप बीप में उतर गया तो, वो भी ऑल इन ऑल आउट जा सकता है भाई। दिस वॉज लाइक अनएक्सपेक्टेड
कि भाई किंग वेला को लाएगा वो भी अपने आउट्रो में काफी सब बट एबीवी ने भाई कितना प्यारा शाउट आउट दिया था भाई कि वो रैप शो पे उसको गए रैप कर। हाँ वो भी मतलब एक ऐसा भी हो सकता है, देखो पहलू बहुत सारे हो सकते हैं इस चीज के, क्योंकि एमबीबी ने बेला भाई को शॉर्ट आउट दिया वो अच्छी बात है। ये भी हो सकता है कि भाई जो उस टाइम पे जो चीजें खराब हुई थी बेला भाई और किंग के बाद में, क्योंकि वो मैनेजमेंट का कॉल आया था कि ऐसा ऐसा बहुत सारा कुछ उल्टे सीधे सीन हुए थे, तो क्या पता उसको खराब हुआ था पहले उसको वापस री याद दिला के उन लोग के बीच में वाले जो दोस्ती थी अभी तेरे होके गाने के बाद वो शायद खराब करना चाहता हो, ये भी हो सकता है। पर मुझे पता है एमबीबी इतना पागल नहीं है किसी और की दोस्ती खराब करे, वो ऐसा इंसान नहीं है भाई। मैं जस्ट एक कंस्पिरेसी थियरी बता रहा हूँ और कुछ नहीं। अभी देखो भाई बेला भाई जैसा इस डिस्ट्रैक्ट में आ गया उसने पैर डाल दिया भाई, अगर एमबीबी उसको कुछ बोलता है तो भाई बेला भाई अलग से भी डिस्ट्रैक्ट निकल सकता है, वी डोंट नो भाई। और ये भी हो सकता है कि भाई अपने पहले भी देखा है कि जिसके खिलाफ भी डिस्ट्रैक्ट निकलता है एमबीबी उसके खिलाफ भाई एमी पूरी बीकेपी लग जाती है भाई, उसके इंस्टाग्राम उसको डीएम गालियों से भर जाते हैं भाई, गंदी गंदी गालियाँ माँ बहन ये वो सब सब दुनिया भर के गालियों से भर जाते हैं भाई, क्योंकि बीकेपी बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। दे आर द लॉयलेस्ट फैन बेस आई एवर सीन भाई बीकेपी, सही में भाई एमबीबी बंटा इज लकी फॉर दिस। बड़े जो धमकाते हैं वो गाली देते हैं वो वाली चीज़ अच्छी नहीं लगती मेरे को, बाकी आप उसको डांटो कुछ भी बोलो उसको ट्रोल करो, बट ट्रोल करने का भी भाषा वही हो गया अभी, गाली ही हो गया एक तरह का ट्रोल करना, तो और क्या कर सकते हो, और कोई भाषा आ नहीं रही है अभी। अभी बेला भाई इसमें चीज़ में एंटर की तो दो चीज़ें हो सकती है भाई, कि बेला भाई किंग के लिए अपना दोस्त अपना भाई है तो उसके लिए मैं स्टैंड लेना चाहता हूँ करके मैं उसको सपोर्ट में आया हूँ, या ऐसे भी सोचेंगे कि लोग किंग से कुछ हो नहीं रहा अकेले से इसलिए बेला भाई को लेके आया, हाँ जैसे तूने बोला था कि तेरे को लड़कों की ज़रूरत है तो फिर मेरे को भी लड़कों की ज़रूरत है, कॉन्ट्राडिक्ट कर दिया, ये दो चीज़ें हो सकती है। पर मुझे ऐसा लग रहा है कि एमबीबी ने अगर शाउट आउट दिया और वो जो याद दिलाया जो चीज़ें खराब थी तो शायद क्या पता बेला भाई ये भी प्रूव करना चाहते कि भाई हमारे बीच में एकदम सही है तो हमारे दोस्ती को कुछ तो किसी के और के बोलने से हमारा दोस्ती खराब होने वाला है नहीं, मैं अपने भाई के सपोर्ट में खड़े रहेगा बस दैट्स इट। देखो वैसे भी एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर, ये तो बीफ है भाई रैप बीफ है, कोई किसी को भी लेके आ जाओ वैलिड बन जाता है और क्या। ये जो चीज़ें काफ़ी पोलराइजिंग है भाई, ओपिनियन भी काफ़ी पोलराइजिंग होंगे, सबके अलग अलग सब्जेक्टिव ओपिनियन होंगे, किसी को पसंद आएगा कि बेला भाई क्यों आए फुकट का आए फटफटे में टांग लड़ा रहे ऐसा बोलेंगे, फिर कुछ लोग बोलेंगे कि भाई वो अपने भाई के सपोर्ट के लिए खड़ा हुआ इसलिए आया। अभी अगर ये ऐसा है तो अभी एमबीबी शायद यंग गालिब को लाएगा, क्योंकि किंग ने अपने का ट्रैक में यंग गालिब इज फायर बोल के उसको शॉर्ट आउट दिया था, देखते भाई क्या होता है आगे। पर अगर ऐसा हुआ तो और मजा आ जाएगा भाई, ये कहाँ दो जन का भी था चार जन का हो जाएगा कंटेंट भाई मचाई। तो चलो मैंने आप लोग बताओ आप क्या सोचते हो इस ट्रैक के बारे में, मुझे तो मैं बोल रहा हूँ ट्रैक तो मिड था नॉर्मल था, मैं बोल रहा ना मजे ले रहा भाई, वो ऐसा कोई कंटेंट दे नहीं चाह रहा है, एमबीबी जैसा कंटेंट देना नहीं चाह रहा है किंग, उसको सिर्फ मजे लेना है, उसको कोई बीफ में सीरियसनेस नहीं है। एमबीबी ही बहुत ज़्यादा सीरियस होकर हर चीज़ को कर रहा है, वो है ही सीरियस क्या करे, वो सीरियस बंदा ही है, हर चीज़ को अपना 100% ही देता है, वैसा हल्के में नहीं लेता क्या करे, वो है ही बंदा वैसा, वो क्वालिटी अच्छी भी है बुरी भी है। नेवरदलेस देखते भाई आज रात को फिर से अगर रिप्लाई आ जाएगा ये 24 आवर्स वाला क्राइटेरिया क्या, मेरे को आज तक समझ में नहीं आता, टाइम लो भाई ज़रा, हम लोग को भी ज़रा जॉब वाले जो लोग हैं उन लोग क्या करेंगे भाई, तुम लोग 12 बजे डाल देते हम लोग दूसरे दिन शाम को मतलब उसी दिन शाम को आके ये देखो ये टाइम पे निकालना पड़ता है, इतना लेट हो जाता है, कुछ तो सोचा है हम लोग के बारे में यार प्लीज। तो चलो मैं आप लोग बता दो आपको क्या थॉट्स है इसके बारे में और क्या चल रहा है, आप क्या सोचते हो ये बीफ के बारे में, आपको कोई सेंस बना रहा है कि नहीं बना रहा है, यही कमेंट कर दो कि ये बीफ सेंस बना रहा है कि नहीं, बस इतना कमेंट कर दो समझ जाएगा मैं। चलो मिलते हैं इसी के सीडियो में, तब तक के लिए कुछ रहो मजे कर रहो जन्ना साइनिंग ऑफ पीस।